जोधपुर के न्यू पावर हाउस रोड पर पंचमुखी विश्वकर्मा टावर के पास खाली पड़े भूखंड में कचरे में लगी आग बहुमंजिला टावर इमारत को चपेट में ले लिया, जिसमें 5 मंजिला पंचमुखी विश्वकर्मा टावर को आग ने अपने आगोश में लिया। हालांकि आगजनी की सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू हो गए। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इसके बाद भी रुक रुक कर बिल्डिंग में धुआं निकलता रहा। नगर निगम प्रशासन ने सेना की दमकल को भी मौके पर बुलाया। फिलहाल एहतियात के तौर पर मौके पर तैनात है। आगजनी में गनीमत यह रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। बहुमंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बैंक ऑफ इंडिया की शाखा होने के कारण आगजनी की सूचना के बाद बैंक के ग्राहक भी मौके पर पहुंच गए। लोगों का कहना है कि इस बैंक में उनके लॉकर है। हालांकि बैंक के ऑफिस में आग नहीं लगने से बैंक का ऑफिस पूरी तरह सुरक्षित रहा, जिस ओर बैंक ग्राहकों ने राहत की सांस ली। हालांकि पुलिस के अधिकारी भी समय रहते मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाओं को सुचारू करने के साथ ही आरएसी का जाब्ता भी तैनात किया गया। घर के पास ये बिल्डिंग बनी हुई है हमारे, जिसमें बैंक और काफ़ी सारे ऑफिस चलते हैं। बैंक में हमारे अकाउंट भी है, लेकिन हम लोग पता चला बिल्डिंग के पास में आग वाग लगी है, तो हम लोग फटाफट दौड़ते हुए आए इसके लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। प्रशासन बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है और इसके लिए कार्य कर रहा है। इस बैंक में आपका लॉकर भी है क्या? अकाउंट है यहाँ पे मेरा। नहीं, और लोगों के लॉकर वगैरह भी तो होंगे सर? हाँ, वो तो सबके हैं, लोगों के लॉकर भी है, अकाउंट्स भी है, सबका है। लेकिन जिस हिसाब से अभी बता रहे हैं तो यही लग रहा है कि बैंक में कोई इफेक्ट नहीं आया। बैंक सेफ है? नहीं, गैस की टंकी नहीं है। हाँ, नहीं है, नहीं गैस की टंकी कहीं नहीं है, गैस की टंकी नहीं है। हाँ, पास के प्लॉट में पड़ा कचरा जल रहा था तो इसने आग पकड़ ली और पूरी बिल्डिंग को आग की चपेट में ले लिया। कितना मंजिला बिल्डिंग है ये? 4 मंजिल की बिल्डिंग है। इसमें रेंटेड कौन कौन है? इसमें वोडाफोन है, JKWhite है, बैंक ऑफ इंडिया है, हमारा खुद का ऑफिस है यहाँ। कितने का नुकसान मानता अब इसका? तो कुछ आग बुझने के बाद ही पता लगेगा। जब आग लगी थी तो कौन कौन थे अंदर? मैं अंदर ही था अंदर। अच्छा, और अभी 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 अंदर कोई नहीं है, सब निकल गए। पास के प्लॉट में से कचरा में आग लगी तो वो आग पकड़ ली। ऊपर कौन कौन थे उस समय? सब पूरा ऑफिस था, वोडाफोन का, JKWhite, हमारा खुद का ऑफिस है, सब निकल गए, अंदर कोई नहीं है। 7 सेक्टर विश्वकर्मा टावर में आग जाने की सूचना मिली थी, उस पर पर्याप्त फायर ब्रिगेड वगैरह मंगवा दी गई है और आग को बुझाने का प्रयास चल रहा है। उसमें लगभग लगभग आग कंट्रोल में है और अभी कुछ समय में पूरी कंट्रोल में हो जाएगी। 7-8 फायर ब्रिगेड आई है और हाइड्रो वाली फायर ब्रिगेड भी आई है, जो ऊपर से प्रेशर डाल के पानी डाल दी अंदर। अभी कंट्रोल में है, नहीं कोई जना नहीं। सर बताएं सर, क्या बात है? ये कुछ समय पहले सूचना मिली थी कि शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में पंचमुखी विश्वकर्मा करके टावर है, उसमें कोई आग लगी हुई है, जिस पर तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना करी, संबंधित थानाधिकारी, वृत्ताधिकारी वगैरह को रवाना किया और नगर निगम से संपर्क किया और जितनी भी अधिक से अधिक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच सकती हैं उसके लिए उनको जानकारी दी गई। मौके पर अभी 5 से अधिक फायर ब्रिगेड हैं जो एक साथ निरंतर काम कर रही हैं। 4 मंजिला बिल्डिंग है, जिस तरह का बिल्डिंग का मटेरियल है उससे भी वो ज्वलनशील होने की वजह से आग है वो सभी मंजिलों तक फैली हुई है। मौके पर जो प्राथमिक जानकारी मिली वो यही है कि पड़ोस के प्लॉट के अंदर किसी कचरे में या कुछ सामान के अंदर आग लगी, जिसकी वजह से ये होते हुए इस बिल्डिंग तक पहुंची है। अभी सबसे पहले तो इसकी बुझाने की कार्रवाई में सहयोग कर रहे हैं। नरपत बोराना के साथ मैं हेमंत पेंट से, BGB TV हिंदी, जोधपुर।